टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट्स और खेल जगत की खबरों के साथ मैं शुभम किशोर स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। रानी रामपाल की कप्तानी वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में नया इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं टोक्यो में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे इकलौते घुड़सवार फवाद मिर्जा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन वहां वे 23वें स्थान पर रहे। फवाद मिर्जा 20 वर्षों में पहले ऐसे घुड़सवार हैं जिसने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। निशानेबाजी में पिछले दिनों की तरह एक बार फिर भारत को हार का सामना करना पड़ा। आज उम्मीदों को सबसे बड़ा चोट एथलेटिक्स में महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में लगा, जहां भारत की कमलप्रीत कौर मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन वे 6वें नंबर पर रहीं, जो पिछले 18 साल में ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किसी भी भारतीय का संयुक्त रूप से बेस्ट प्रदर्शन है। भारत के लिए सोमवार के दिन इवेंट्स की शुरुआत 200 मीटर हिट से हुई। अपने वर्ल्ड रैंकिंग के दम पर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दुती चंद चौथे हिट में आखिरी स्थान पर रहे। दुती चंद 200 मीटर के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। खेल जगत की आज की एक और सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB 6 अगस्त से POK यानी गुलाम कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है। BCCI ICC को कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर पत्र लिखकर इस लीग को मान्यता नहीं देने की मांग की है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सरगर्मी तब बढ़ गई जब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्षल गिब्स, जिनके लीग में खेलने की उम्मीद है, उन्होंने ट्विटर पर कहा उन्हें धमकी दी गई है कि उन्हें क्रिकेट से संबंधित किसी भी काम के लिए भारत में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ओलंपिक के ताजा अपडेट्स और खेल जगत की खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in। Cheer for India!